ठीक है, यहाँ पे प्लीज। मैं आया, मैं एक बार HDFC बैंक पे चार्ट पे चल लेता हूँ। अब हाँ, एक और दिक्कत, HDFC बैंक में हमारा ऑलरेडी एक बार टारगेट आ चुका है, तो मेरे को कई स्टूडेंट्स क्यों मैसेज कर रहे हैं, सर इसको बाय कर लें, 5% गिरा है। मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी है क्या जो आपको किसी भी स्टॉक के 5% गिरने पे उसको बाय करने को अलाउ करती है? नहीं ना, तो नहीं। नहीं करना बाय। जब बाय सिग्नल आएगा तब बाय करेंगे, उससे पहले उससे बाद नहीं। एक गलती जो कई लोग करके रखते हैं, यार ये यहाँ पे डिविडेंड वाला आ रहा है, एडजस्ट डेटा फॉर डिविडेंड, कृपया करके इसको सिलेक्ट कर लो। ये जो है ब्लू कलर का दिखना चाहिए, ये होना चाहिए ब्लू एडजस्टेड, ताकि डेटा जो है डिविडेंड के थ्रू, डिविडेंड ऑलरेडी एडजस्टेड हो डेटा में। ठीक है, तो मेरा डिविडेंड एडजस्टेड हो गया। नाउ नाउ चीज यहाँ पे थी प्राइस 20,250, 200, यहाँ पे हमारा बाय सिग्नल आया होता बकायदा, उसके बाद 4-5% गिरा था, आई एग्री। लेकिन अगर आप गिरने का वेट करते, आपको कैसे पता कि ये 4% गिर के ही बढ़ेगा? क्या पता 2% भी बढ़ जाता, क्या पता 4% भी बढ़ जाता। मेरा फंडा है कि यार अपना एक प्राइस डिफाइन करो कि मेरे अकॉर्डिंग ये मिनिमम है, उसके बाद वहां पे बाय करके आपके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम है वहां पे बेचो। इसके बाद जो है अच्छी खासी करेक्शन आई और उसके बाद फिर से बढ़ने लग गया। इसका मतलब ये नहीं हम फेल हुए, हमने अपने हिस्से का यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। नॉट जस्ट दिस,